नमस्कार मित्रों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्रिस्टल रफ डायमंड्स हैं। ये जो डायमंड्स देख रहे हैं वो नेचुरल रफ डायमंड स्टोन्स हैं। इसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पस में भी इसका यूज़ होता है। जो इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्रिस्टल फॉर्म है वो कैसे है, नीट एंड क्लीन है, तो ये डायरेक्टली हम इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल फॉर्म है वो कैसा है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो 0% है, यानी कि ये जो डायमंड स्टोन्स है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसकी जो प्राइस वैल्यूएशन है वो आपको लगभग मार्केट में मिल जाएंगी 800 रुपीज़ टू 1200 रुपीज़ के भीतर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना परफेक्ट क्रिस्टल डायमंड फॉर्म है। बिकॉज इसमें क्या रहता है कि ये कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ होंगे, जो मशीनरी है उसमें यूज़ होंगे, और कुछ डायमंड स्टोन्स है उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं उसमें रफ़ डायमंड शेप कैसे लेते हैं, उसके बाद इसका जो फेसेट वाला प्रोसेस है वो फेसेट वाला प्रोसेस कैसे होता है, और फाइनली हमें जो पॉलिश डायमंड मिलते हैं वो पॉलिश डायमंड कैसे आते हैं, तो उसका मैं टोटली संपूर्ण वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी तो हम फिलहाल इस वीडियो में रफ डायमंड ही देखेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें से जो रॉ शेप के डायमंड्स है वो कैसे दिखाई देते हैं, और उसके बाद जो पॉलिश डायमंड आता है वो पॉलिश डायमंड कैसा आता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो तो क्रिस्टल डायमंड है ही, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि भैया ये डायमंड स्टोन्स है उसमें भैया हमें तो ऐसा लग रहा है कि इसकी जो सपाटी है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये जो रफ डायमंड स्टोन्स है जिसे हम ऑस्ट्रेलियन एज वेल एज इसमें जो सिंडिकेट है दोनों के दोनों मिक्स डायमंड्स है इसमें, और अफ्रीकन के डायमंड्स भी स्टोन्स भी इसमें कुछ कुछ है, लेकिन जो ये डायमंड है वो परफेक्टली क्रिस्टल है। कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे हैं जो गोली यानी कि हम गोलवट कहते हैं वैसे भी डायमंड स्टोन्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बेल्की भी दिखाई दे रही होगी कि डायमंड क्रिस्टल है उसमें अक्सर बेल्की के हिसाब से ही कोई भी डायमंड है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो ये सारे के सारे डायमंड्स DB और LB हम कह सकते हैं, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन डायमंड दोनों के दोनों यहाँ पे मिक्स है, और इसमें तो हम क्या कह सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है, डायमंड काफ़ी बढ़िया आता है। लोग अक्सर इसको ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं एज ए रफ फॉर्म, और इसमें क्या आता है कि जो डायमंड साइज़ आती है वो जो बढ़िया आती है, हम कह सकते हैं 15+ चांदी के डायमंड्स आते हैं, तो इसका उसका हम यूज़ कर सकते हैं पोल्की के मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर रोज कट डायमंड के मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर हम इसका EP यानी कि इंग्लिश पॉलिश भी बना सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग जो करता है वो बंदा इस पे कौन सी प्रोसेस करना चाहता है वो उस पे ही डिपेंड रहता है। कोई बंदा है उसको अगर मान लीजिए कि DB डार्क ब्राउन है उसका डबल यानी कि 56 पेल वाला मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसके हिसाब से ये डायमंड है, ये डायमंड स्टोन से उसको काफ़ी बेहतरीन और बढ़िया पड़ेगा, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो अच्छा आता ही है क्योंकि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो काफ़ी हद तक कम है, उस हिसाब से इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हमें काफ़ी बढ़िया मिलता है।